गीडा पुलिस ने 25,000 के इनामी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को बोकटा ऑटो स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दयाशंकर यादव पुत्र स्वर्गीय कल्पराज यादव निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर, दूसरा दयाराम यादव पुत्र स्वर्गीय कल्पराज यादव निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर, तीसरा देवमन यादव पुत्र कल्पराज यादव निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंपियरगंज ने बताया कि 12 मार्च को इनामी अभियुक्तों ने एक दलित परिवार के लोगों को दबंगई दिखाते हुए अपने द्वारा कहे हुए प्रत्याशी को वोट न देने पर मारा पीटा था, जिसमें एक अभियुक्त राजू यादव पुत्र स्वर्गीय राधे श्याम यादव निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर को 12 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा 3 अभियुक्तों को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा, इसमें 2 अभियुक्त नितिन पुत्र दयाराम यादव निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर, दूसरा विभू पुत्र दयाराम यादव निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर वांछित है, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गीडा थाना प्रभारी विनय कुमार सरोज, वरिष्ठ उप निरीक्षक शिव प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक अजय श्रीवास्तव, विवेक रंजन, कांस्टेबल धनंजय सिंह, सर्वेश यादव, महिला कांस्टेबल उमा यादव शामिल रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह ने कहा, दिनांक 12/3/2022 को थाना गीडा में एक गांव है बरहुआ, वहां पर दयाशंकर यादव, उनके 3 भाई हैं जो देवमन और दयाराम तथा उनके 2 लड़कों द्वारा दलित समुदाय के एक शिवा भारती नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और उसने दूसरे पार्टी को वोट दिया था, इस रंजिशन उसके साथ मारपीट की गई, जिसके संबंध में थाना गीडा पर मुकदमा कायम हुआ और विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। उसमें एक व्यक्ति राजू को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था, शेष 5 फरार थे, जिन पे सभी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उनमें से दयाराम, दयाशंकर और देवमन 3 व्यक्तियों को आज बोकटा चौराहे स्टैंड के पास दोपहर में गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। एक मारपीट की घटना हुई थी, उसमें कोई बरामदगी होना नहीं था। इन लोगों द्वारा एक दलित समुदाय के व्यक्ति को दबंगई के साथ उनको वोट न देने के लिए मारपीट का, नहीं मारपीट का कोई वीडियो तो वायरल नहीं हुआ था, जानकारी नहीं है। कोई अपराधी इतिहास? हाँ, इसके बारे में जानकारी की जा रही है, अपराधी के इतिहास के बारे में।